हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि इंट्राडे में शॉर्ट कैसे करते हैं, इंट्राडे की बात नहीं है, शॉर्ट्स कैसे करते हैं या फिर सेल कैसे करते हैं। ओके, आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, आप लोग नए होंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊँगा, एक एग्जाम्पल दूंगा। आज का ही एग्जाम्पल है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बन के यहाँ पर शॉर्ट होता हुआ नजर आया है और क्यों हम आपको लेवल देते हैं और क्यों लेवल से चीज़ें ऊपर जाके जाती है या फिर नीचे चली जाती है और जब नीचे जाती है एट दैट टाइम यहाँ पर शॉर्ट करने का मौका मिलता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट, आगे बढ़े, सबसे पहले दो चीज़ों को याद रखिएगा। पहले तो सबसे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और एक और चैनल हमारा ओपन हुआ है जिसका नाम है ट्रेडिंग दिल से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डेली वीडियो आती है शॉर्ट, जहाँ पर इंट्राडे टिप्स से रिलेटेड बातें करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एक ट्रेडिंग की हमने टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड पूरी एक वीडियो बनाई है, उसे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक उसे नहीं देखेंगे और उसका पूरा कंसेप्ट जो कि बहुत इजी है वो अगर आपके माइंड में नहीं आएगा तो याद रखिए ना तो शॉर्टिंग कर पाएंगे, ना ही ब्रेकआउट पे ले पाएंगे, ना ही ब्रेकडाउन पे आप बेच पाएंगे। तो किस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट करते हैं और एक दिन के अंदर अंदर, कुछ मिनटों के अंदर अंदर या कुछ घंटों में आप यहाँ पर अच्छा पैसा कमा लेते हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बहुत ईजी तरीके से। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं। देखो दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और जिस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है तो उसका नाम है बिरला कॉर्प। बिरला कॉर्प इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है। आज इसमें एक इंट्राडे आपको मिलता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पर आप यहाँ पर शॉर्ट करके, इंट्राडे में शॉर्ट करके अच्छा खासा पैसा या इंट्राडे में सेल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। तो देखिए, कल मैंने ये आपको स्टॉक्स दिया था जब मैंने ब्रेकआउट से रिलेटेड बातें करी थी और ब्रेकडाउन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था इसे चलने के लिए इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर चलना जरूरी है। ओके, अगर यहाँ से ऊपर चला तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज अगर यहाँ से गिरा तो याद रखिए आप बेच भी सकते हैं और बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आज क्या होता हुआ दिखाई दिया, आज यहाँ पर टारगेट हम देखेंगे कि किस तरीके से, और टारगेट कैसे डैम के थ्रू निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे 5-10 कैंडल लेनी है, नॉर्मल कैंडल्स लेनी है और उसमें देखना है कि यहाँ पर कितना यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है, एवरेज मूवमेंट कितना है, उसके हिसाब से हम टारगेट। तो यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा ब्रेकडाउन के रिलेटेड कैसे शॉर्ट करते हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए, मैंने आपको बताया जब भी इंट्राडे करते हैं तो मैंने टिप्स बता रखी है कि किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, तो इसके लिए यहाँ भी वीडियो मिल जाएगी। बाकी हमारा चैनल है ये ट्रेडिंग दिल से, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें सारी टिप्स मैंने आपको दे रखी है। ओके, तो यहाँ पर टिप्स बता रखी है कि कैसे कैसे आपको करना है, तो और बाकी किस तरीके से ये लाइन खींचनी है उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल चार्ट ओपन किया, तो 5 से 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, तो 5 मिनट का हमने चार्ट ओपन किया, तो 5 मिनट का चार्ट ओपन किया तो ब्रेकआउट तो हुआ नहीं था जैसे कि हमने चार्ट देख लिया है। ओके, और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं होता हुआ दिखाई दिया। ओके, यहाँ पर देखेंगे कोई ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल भी कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट यहाँ पर ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया और हम ब्रेकडाउन यहाँ पर देखिए मार्केट गिरती हुई नजर आई। ओके, ये शेयर गिरता हुआ नजर आया और कैसे इसमें ट्रेड लेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पर देखा, मैंने आपको कैंडल से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई है, जो वीडियो बनाने वाला हूँ कैंडल से रिलेटेड भी, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी उल्टा हैमर रेजिस्टेंस पे बन जाए, तो ये रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस है, हाँ जी ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट ये था, रेजिस्टेंस ये था, और रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तब जाके ब्रेकआउट होगा और नहीं करेगा तो गिरावट होगी, तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहला हमारा ये नॉर्मल हो गया कि रेजिस्टेंस पे हमें क्या करना है, टिप्स में बता रखा है सब चीज कि किस तरीके से, यहाँ पर टिप्स में मैंने वीडियो बनाई है और बताया है कि इंट्राडे हमें करने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस देखना है या सपोर्ट देखना है, तो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस पे मैंने आपको बताया कैंडल बननी चाहिए, या तो कैंडल बननी चाहिए ब्रेकआउट वाली, मतलब यहाँ पर कैंडल बननी चाहिए आपकी बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल, तो ये एक बियरिश कैंडल है। कौन सी कैंडल बियरिश है, तो ये वाली जो कैंडल दिख रही है ये एक बियरिश कैंडल है, उल्टा हैमर जब रेजिस्टेंस पे बनता है बियरिश कैंडल, और इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, इस कैंडल को जाके पढ़ लीजिएगा नेट पे तो आपको पता चल जाएगी, शूटिंग स्टार कहते हैं। तो अब क्या करना है, अब इसमें करना है हमें इंट्राडे, तो इंट्राडे करने के लिए जब भी मैं आपको बताता हूँ इस तरीके की कैंडल बनी, तो जब भी ये कैंडल का लो टूटेगा, ओके, इसके हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस क्या रखना है, इसी कैंडल का हमें हाई जो बन रहा हुआ है वो स्टॉप लॉस रखना है। तो इस कैंडल का लो क्या है, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा चेंज हो रहे हैं, तो इस कैंडल का लो है 944.05,
तो 944.05 मतलब यहाँ पर 944 जैसे ही आया हमने यहाँ पर एंट्री लेंगे, और जैसे ही 9 अगर स्टॉप लॉस कब रखेंगे 953.95 या 954 रुपीस, ओके हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया और तो स्टॉप लॉस ऊपर हो गया, नीचे हमारा एंट्री लेवल हो गया। और जैसे ही इसने ये तोड़ा तो कहाँ पर तोड़ा, इस कैंडल में देखिए ये कैंडल का लो कितना था 944, तो 944 आया, हाँ इसमें 944 आया बल्कि 941 तक गया था, तो हमने इस कैंडल में ली एंट्री। और जैसे ही हमने 944 पे एंट्री ली, ओके और एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, एंट्री लेने के बाद ये शेयर ऊपर भी गया, आपको लग रहा होगा स्टॉप लॉस तो देखिए स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, ऊपर घूमा कंसोलिडेट किया और जैसे ही नीचे गया तो हमें थोड़ी देर में ही क्या टारगेट मिले, अच्छे खासे टारगेट मिले। और टारगेट पे हम यहाँ पर देखेंगे तो कितने रुपए का हमें यहाँ पर मूवमेंट मिला, तो यहाँ पर देखिए एक ही दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम 4% का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। कितना 4% का, कि हमें 4% पे एग्जिट करना है तो हमें 4% पे एग्जिट नहीं करना। देखिए इंट्राडे के लिए 1-2% का रिटर्न भी अच्छा रहता है, बट हमें यहाँ पर जब तक यहाँ पर देखिए जब हमने एंट्री ली तो एंट्री लेने के साथ साथ हमने अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रखा था, ओके जैसे ये नीचे जाने लग गया, ओके तो हमने क्या किया अपना स्टॉप लॉस हटा के यहाँ पर रख लिया और चीजें नीचे आई, ओके और यहाँ पर देखिए ये दोबारा ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ पर टूटा तो हमने अब स्टॉप लॉस जो हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था वो यहाँ से अब यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। और जैसे स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा इंट्राडे के अंदर अंदर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट करके या सेल करके इस तरीके से पैसा कमाते हैं इंट्राडे में, याद रखिए ऐसी चीज कोई नहीं बताएगा, मैं आपको यहाँ पर चार्ट के साथ विद प्रूफ सारी स्टडी किस तरीके से हमने कहाँ एंट्री ली, क्यों एंट्री ली, कहाँ पर जाके हमने एंट्री ली, वो सब चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट, ट्रेडिंग दिल से को भी यहाँ पर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इधर टिप्स मिलेगी। और प्लेलिस्ट में जाके क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके मिलेगा जादू इन ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस, जो कि यहाँ पर लोग 50,000-1,00,000 रुपए देके यहाँ पर करते हैं, ओके वो मैं आपको यहाँ पर फ्री में सिखा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट करिएगा और जितना हो सके सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।